हमारे ही परिचित लोगों में से मैं 50 ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। उन्होंने प्रातःकाल सिर्फ घृत कुमारी को एक गुदा आप 15-20 ग्राम प्रतिदिन सुबह सेवन कर सकते हैं। इसकी मात्रा आप देख लें, 10 ग्राम से प्रारंभ करें, 50 ग्राम 100 ग्राम तक भी आप खा सकते हैं, डाइजेस्ट आप कर सकते हैं तो 100 ग्राम तक भी लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। तो इसका नियमित रूप से सेवन करने से आपके बाल भी सुंदर हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, टूटने बंद हो जाएंगे। यदि आप भृंगराज का पाउडर, दही और घृत कुमारी इसको मिला करके और थोड़ी सी आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी भी मिलाइए, इसको बहुत पेस्ट जैसा बारीक बना करके पतला पतला सा आप सर पे लेप करिए। मुल्तानी मिट्टी, दही, भृंगराज और घृत कुमारी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको मिला करके आप बालों में लेप करिए अच्छी तरह से लगा करके, फिर बाद में धो दें। हालांकि हमारे यहाँ जो शैम्पू है, शैम्पू के अंदर घृत कुमारी है, तो लोग दिखाने के लिए घृत कुमारी के फ़ोटो को तो लगा देते हैं अपने आइटम को बेचने के लिए, शायद घृत कुमारी उतनी मात्रा में उसमें नहीं डाली जाती है, क्योंकि आजकल कॉस्मेटिक का बाज़ार गुणों पर नहीं सुगंधित पर आश्रित है। ये बहुत विचित्र बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गुणकारी कितने हैं ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, एक चर्चा का विषय हो सकता है। तो जितना भी टोटल जो कॉस्मेटिक है, जितने भी यह एसेंशियल जो मार्केट है, टोटल मार्केट सिर्फ सुगंधि पर आश्रित है। तो सुगंधित द्रव्यों को आदमी अपनी खुशबू की अनुकूलता से खरीदता है। यदि खुशबू आपके अनुकूल नहीं है तो शायद किसी भी तरह की कॉस्मेटिक चीज़ों को आप लगाना पसंद नहीं करेंगे। तो घृत कुमारी का तो अपना स्वाद है, घृत कुमारी की अपनी खुशबू है, घृत कुमारी का तो अपना गुण है, तो इसको सीधा प्रयोग करिए। कहीं भय नहीं, किसी केमिकल रिएक्शन की आपको कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, सीधा आप इसका प्रयोग करिए और आप लाभ उठा सकते हैं।